हेलो गाइस, नाउ दिस इज द पार्ट 7 ऑफ द जॉइंट सीरीज. ओके, इन माय प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था अबाउट द साइनोवियल जॉइंट. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट एंड फंक्शन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. ओके, दिस वीडियो इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. ओके, क्लासिफिकेशन आर ऑफ सिक्स टाइप्स. ओके, सिक्स टाइप. अब इस सिक्स टाइप को याद करने के लिए एक निमोनिक है. ठीक, तो निमोनिक इज प्रिंस हैरी पुल्ड चार्ल्स इन सैडल बैग. ओके, इट इज जस्ट अ निमोनिक. ओके, प्रिंस P for plain synovial joint. Okay, P for plain synovial joint and H is represent for the hinge variety of the joint. Okay, now again P is for the pivot joint. Okay, now C is for the condylar joint. Condylar joint. Okay. Now S for saddle. Saddle तो पूरा ही है. तो saddle का saddle variety of the synovial joint. Okay. Saddle joint. And B for ball. Ball and socket joint. Okay. First one is the plain synovial joint. Second is the hinge variety of the joint. Third is the pivot. Fourth is the condylar. Fifth is the saddle. And sixth one is the बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, नाउ बात करते हैं डिटेल ऑफ द सिक्स टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. ओके, फर्स्ट वन इज द प्लेन साइनोवियल जॉइंट. ओके, अब नाम में ही दिख रहा है, इस बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस आर फ्लैट. कैसी होंगी? प्लेन साइनोवियल जॉइंट है ना, तो आर्टिकुलर सर्फेसेस की कैसी होंगी? फ्लैट होंगी. ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इसका कैसा होगा? यूनिएक्सियल. कैसा होगा? यूनिएक्सियल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. ओके, सपोज दिस इज द इसका मूवमेंट कैसा होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा. ओके, ये क्या है? यूनिएक्सियल डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है इसका. ठीक, सेकेंड पॉइंट इज द यूनिएक्सियल डायरेक्शन, यानी यूनियनी वन, ओनली वन एक्सिस, एक एक्सिस और एक प्लेन के अराउंड मूवमेंट हो रहा है. ओके, और प्लेन ज्वाइंट में कैसा मूवमेंट होता है? स्लाइडिंग. कैसा? स्लाइडिंग ग्लाइडिंग. ओके, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट आर परमिटेड इन दी प्लेन साइनोवियल जॉइंट. ओके, ना एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंटर कार्पल एंड इंटर टार्सल. इंटर मीन्स इन बिटवीन, कार्पल मीन्स कार्पल बोन, जो रिस्ट ज्वाइंट में बोन होती है. ओके, उन कार्पल बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, दिस ज्वाइंट आर द प्लेन वराइटी ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट. ओके, एंड सेम एज द टार्सल बोन के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, इट इज रिलेटेड टू द प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट. ओके, नाउ बात करते हैं अवर सेकेंड ज्वाइंट, विच इज द हिंज वैरायटी ऑफ द ज्वाइंट. ओके, सेकेंड वन इज द हिंज ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट. ओके, अब इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस कैसी होंगी? आर्टिकुलर सरफेसेस आर पुली शेप्ड. कैसी होंगी? पुली. पुली क्या होता है? जैसे कुएं से हम लोग रस्सी से और बाल्टी से पानी निकालते हैं ना, तो क्या होता है? एक व्हील लगा होता है. व्हील के ऊपर क्या होती है? रूफ, यानी रस्सी क्या होती है? घूम रही होती है.
ठीक है, व्हील घूम रहा होता है, रस्सी खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, पुली, ठीक है, पुली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आर्टिकुलर सरफेसेस होती है उसकी, ठीक है। सपोज एक डायग्राम देखते हैं, दिस इज द ट्रॉकलिया ऑफ द ह्यूमरस, ओके, एंड दिस वन इज द ओलेकर्णन प्रोसेस, ओके, ये क्या है, प्रोसेस, ओलेकर्णन प्रोसेस, एंड दिस इज द ट्रॉकलिया ऑफ ह्यूमरस। ये कैसा ज्वाइंट है, दिस इज द मीडियल व्यू। हम क्या कर रहे हैं, हाथ को अंदर के साइड से देख रहे हैं, जब हम इसको कट करके देखेंगे ना तो हमको ह्यूमरस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा और अल्ना हमारी कुछ ऐसे कनेक्टेड होगी ज्वाइंट से, ठीक है। अब इस ज्वाइंट को कुछ लिगामेंट्स क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं, ठीक है। दिस लिगामेंट आर कॉल्ड को लेटरल लिगामेंट्स, ओके। मीडियल साइड है तो मीडियल को लेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड है तो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, दिस जॉइंट आर आल्सो यूनिएक्सियल जॉइंट, यूनिएक्सियल जॉइंट, ठीक है। एन एग्जांपल इज द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में क्या होता है, हम एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं ना, ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिटर्न आएगा, ये एक ही डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है, ये लेटरल नहीं जाएगा, ये जो लेटरल मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन विच इज इन द शोल्डर जॉइंट नॉट इन द एल्बो जॉइंट, ओके। तो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसमें, ओके। एग्जाम्पल इज द एल्बो जॉइंट, ओके। नाउ बात करते हैं थर्ड जॉइंट विच इज द पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ओके। पाइवट जॉइंट की बात करते हैं तो इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस इंक्लूड ए सेंट्रल बोनी पेग, ठीक है। सपोज एक डायग्राम देखते हैं, दिस इज द C1 वर्टिब्रा, ओके, दिस इज द C1 वर्टिब्री, ठीक है, C1, दिस इज द आर्टिकुलर सरफेसेस, दिस इज द सेंट्रल, दिस इज द कैनाल, दिस इज द आर्टिकुलर सरफेसेस, ओके। अब दिस वर्टिब्रा इज द C1 एटलस, ओके। अब इस एटलस में, एटलस क्या है, C1, इसके नीचे क्या होगी, C2 वर्टिब्रा, ठीक है। C1 ऊपर है, C2 नीचे होगी, ठीक है। C1 ये है, ठीक है। अब C2 नीचे से क्या करेगी, इसमें आर्टिकुलेट करेगी। अब आर्टिकुलेट करेगी तो ये डेंस, ये क्या है, डेंस, ठीक है। ये डेंस क्या होगा, इसमें आर्टिकुलेट करेगा, दिस इज द डेंस ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा, ठीक है। ये डेंस क्या क्या आर्टिकुलेट किया, तो अब ये डेंस आर्टिकुलेट कर रहा है तो ये मूव किस साइड कर सकता है, सेम या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, सेम, ठीक है। तो सेम ऐसा ही डेंस क्या करेगा, मूव या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटलांटो एक्सियल जॉइंट, दिस इज द एटलांटो एक्सियल जॉइंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एटलांटो एक्सियल जॉइंट। इसमें क्या कर रहा है, दिस इज द एटलस, ठीक है, C1 वर्टिब्रा, C1 वर्टिब्रा में ये आर्टिकुलर सरफेसेस में क्या करेगा, डेंस आके जाएगा, C2 का डेंस आके आर्टिकुलेट करेगा, दिस इज द डेंस ऑफ C2, ठीक है, डेंस ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा। जब ये, ठीक है, एक आर्टिकुलर सरफेस है, इसमें आके डेंस, C2 का डेंस आके आर्टिकुलेट करेगा, तो ये मूव क्या करेगा, अराउंड द एक्सिस, यानी कि अराउंड, सिर्फ ये आर्टिकुलर सरफेस के अराउंड मूव करेगा, आगे पीछे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है ना जाने के लिए। तो अराउंड मूवमेंट कैसा होगा इसका, अराउंड होगा, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट में होगा,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी वन वर्टिब्रा सी टू वर्टिब्रा जब मूव करेंगे तो कौन सा मूवमेंट होगा, दिस इज द मूवमेंट, नो मूवमेंट, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। सो ये सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, इट इज ऑल्सो ए यूनि एक्सियल ज्वाइंट। क्यों यूनि एक्सियल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, आगे पीछे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आगे पीछे, बिकॉज देयर इज द ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग। ठीक है, ये क्या है, एक ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग है। ऑस्टियो यानी बोन, लिगामेंटस यानी लिगामेंट। ठीक है, बोन और लिगामेंट से मिलके क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लीजिए हमको क्या हुआ, एक हाई इंटेंसिटी फोर्स से हमारा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, हमारे सिर पे चोट लगी, तो हमारा क्या होगा, ये सी वन सी टू से डिसलोकेट होने का चांसेस है। तो ये डिसलोकेशन को रोकने के लिए क्या क्या ऊपर वाले ने, दिस इज द स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सी वन सी टू डिसलोकेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन दिस ज्वाइंट इज द यूनिएक्सियल ज्वाइंट। ओके, यूनिएक्सियल मूवमेंट होता है इसमें। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट क्या है, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। एटलांटो यानी एटलस, ओके, एंड एक्सियल यानी एक्सिस, यानी कि वो ज्वाइंट जो एटलस और एक्सिस के मिलके से मिलके बनता है। ठीक है, उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड, सेकेंड इज सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ओके, तो हमारे ज्वाइंट में क्या हो रहा है, प्रोनेशन सुपीनेशन। ठीक है, दिस इज द प्रोनेशन एंड दिस इज द सुपीनेशन। ये किस ज्वाइंट पे होता है, पाइवट ज्वाइंट पे। पाइवट ज्वाइंट की वैरायटी क्या है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, या तो ये जा रहा है, या तो हमारे फोरआर्म ऐसे जा रहा है, या तो हमारा फोरआर्म ऐसे जा रहा है, या तो प्रोनेशन या सुपिनेशन। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द पाइवट ज्वाइंट। नाउ वी विल मूव अवर फोर्थ ज्वाइंट विच इज द, फोर्थ ज्वाइंट इज द कॉन्डाइलर कॉन्डाइलर ज्वाइंट। ओके, अब कॉन्डाइलर नाम से में, नाम में दिख रहा है कॉन्डाइल्स, इसमें क्या होगा, कॉन्डाइल्स होंगे। तो आर्टिकुलर सरफेस आर टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कॉन्डाइल्स। ओके, क्या होगा इसमें, आर्टिकुलर सरफेस कैसे होंगे, दो डिफरेंट कॉन्डाइल्स होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा, मेल कॉन्वेक्स, ओके, सेकेंड फीमेल कॉनकेव। ओके, अभी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, इसका रेंज कैसा होगा, मूवमेंट कैसा होगा, दिस इज बाई एक्सियल, बाई एक्सियल ज्वाइंट, यानी कि इसका मूवमेंट दो डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फर्स्ट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, सेकेंड में क्या होगा, रोटेशन। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, फेमस एग्जाम्पल है नी ज्वाइंट। ओके, अब नी ज्वाइंट हमारा कैसा होता है, दिस इज द लोअर एंड ऑफ द फीमर। ओके, ओके, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड एंड दिस इज द टीबिया। नेक्स्ट वन इज द टीबिया। ओके, तो इसमें क्या है, दिस इज द मेल फीमोरल कॉन्डाइल और मेल कॉन्वेक्स कॉन्डाइल एंड दिस इज द फीमेल टिबियल कॉन्डाइल और फीमेल कॉनकेव कॉन्डाइल। तो दो डिफरेंट कॉन्डाइल से मिलके जो ज्वाइंट बनता है उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलर ज्वाइंट विच इज अंडर द साइनोवियल वैरायटी ऑफ द ज्वाइंट। ओके, एग्जांपल्स
नी ज्वाइंट। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है ये क्या करे, टिबिया या तो आगे मूव कर सकती है या तो पीछे, और सम पार्शियल मूवमेंट कैसा होता है, लेटरल साइड। ठीक है, सम टाइप ऑफ रोटेशन भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, सम टाइप ऑफ रोटेशन आर प्रेजेंट, फ्लेक्शन हो सकता है और एक्सटेंशन होता था। तो टिबिया हमारे कैसे मूव कर सकती है, आगे जाएगी या फिर पीछे जाएगी, और सम टाइम लेफ्ट भी जाएगी और सम टाइम राइट जाएगी। तो बाई एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं और फिफ्थ ज्वाइंट इज द सैडल वैरायटी ऑफ द साइड। फिफ्थ ज्वाइंट इज द सैडल ज्वाइंट। ओके, सैडल ज्वाइंट क्या है, सैडल ज्वाइंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, आर्टिकुलर सरफेसेस आर कॉनवेक्सो कॉनकेव। ओके, यानी कि एक सरफेस में कॉन्वेक्स भी होगा इसमें और कॉनकेविटी भी होगी, कॉन्वेक्सिटी भी होगी। एग्जाम्पल इज द एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। डायग्राम देखते हैं इसका, तो सपोज दिस इज द एक्सटर्नम। ओके, दिस इज द एक्सटर्नम, दिस इज अदर साइड। दिस इज द एक्सटर्नम। ओके, दिस इज एक्सटर्नम एंड This one is the clavicle. This one is the clavicle. अब ये क्या है, अब ये क्या है, एक ही आर्टिकुलर सरफेस में ये रेड वन इज द कॉनकेविटी, ठीक है, एंड दिस ग्रीन वन इज द कॉन्वेक्सिटी। तो ये क्या लिखा हुआ है, आर्टिकुलर सरफेस है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है, तो एक आर्टिकुलर सरफेस में कॉन्वेक्सिटी भी होगी कॉनकेविटी भी होगी। ठीक है, तो दिस ज्वाइंट इज द एक्सटर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दिस इज द एक्सटर्नम। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस आर्टिकुलेट विद द कॉनकेव एंड कॉनकेव सरफेस आर्टिकुलेट विद द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द क्लेविकल। ओके, सो दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द सैडल वैरायटी ऑफ द ज्वाइंट। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। ओके, एमसीपी ज्वाइंट इज द फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। ओके, सो एंड लास्ट पॉइंट इज दिस ज्वाइंट इज आल्सो ए लास्ट पॉइंट दिस इज आल्सो ए बाई एक्सियल ज्वाइंट। इसमें भी क्या होगा, क्या हो सकता है, इसमें रोटेशन हो गया, एंटीरियर रोटेशन, पोस्टीरियर रोटेशन। ठीक है, एंड सम टाइम इट विल हेल्प इन द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, क्लेविकल क्या करती है, फ्लेक्शन में भी हेल्प करती है, एक्सटेंशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, एंड जब रोटेशन करते हैं तो उसमें भी क्या करती है, मूव करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सैडल ज्वाइंट। नाउ वील मूव अवर लास्ट साइनोवियल ज्वाइंट विच इज द बॉल एंड ज्वाइंट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब इस ज्वाइंट के आर्टिकुलर सरफेसेस कैसी होगी, सेम
आर्टिकुलर सरफेसेस आर ग्लोब एंड सॉकेट शेप। ठीक है, ग्लोब एंड सॉकेट शेप। ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब ऐसा होता है। सॉकेट कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कैसा होगा? विच इज मल्टी एक्सियल ज्वाइंट। मल्टी एक्सियल ज्वाइंट यानी कि कई एक्सिस, मल्टी एक्सियल यानी कि कई एक्सिस में और कई प्लेन में इसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो हिप ज्वाइंट, फेमस ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। ओके, शोल्डर ज्वाइंट। डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो दिस इज द सॉकेट ऑफ द, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हिप ज्वाइंट। ओके, दिस इज द ऑब्डुरेटर फोरामेन। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? हिप ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, द बुलम। ओके, दिस इज द एसेटा बुलम ऑफ द हिप बोन, ऑफ हिप बोन। ठीक है, एंड दिस इज द ग्लोबुलर हेड, हेड ऑफ फीमर। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, साइनोवियल ज्वाइंट यहाँ पे हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ज्वाइंट सीरीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट। टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।